हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास एट्थ की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है डेटा हैंडलिंग, उसको कराने वाली हूँ। तो इसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। जॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। एक ये पाई चार्ट दे रखा है, किससे रिलेटेड है, कह रहे एक सर्वे हुआ था तो उसमें देखा गया कि जो ये यंग पीपल्स होते हैं ना, किसी भी एक सिटी का सर्वे हुआ है उसमें यंग पीपल को किस तरीके का म्यूज़िक पसंद है। मतलब अगर मैं क्लासिक म्यूज़िक की बात करूँ तो जितने भी यंग पीपल का सर्वे हुआ है ना, उसमें 10% लोगों को, उसके 10% लोगों को क्लासिक म्यूज़िक पसंद है। सेमी क्लासिक म्यूज़िक 20% लोगों को पसंद है, लाइट म्यूज़िक 40% लोगों को पसंद है और फोक म्यूज़िक जो है वो 30% लोगों को पसंद, ऐसा मुझे डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस देखें, यहाँ पर कह रहे इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, मान लो ऐसे 20 लोग हैं जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। मुझे ये नहीं पता है अभी डेटा में कि कितने लोगों का मैंने सर्वे किया है, उन यंग पीपल के बारे में मुझे नहीं पता है। कह रहे अगर 20 लोग जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, बताओ फिर कितने लोगों का सर्वे हुआ होगा। तो हमको पता है जितने भी लोगों का सर्वे हुआ उसके 10% लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यंग पीपल को जो है उसको एक्स मान लेती हूँ, लेट नंबर ऑफ यंग पीपल इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके 10% लोग होंगे ना, तो 10% ऑफ एक्स को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, है ना। और मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, 20 लोगों को, तो इसकी जगह मैंने 20 रख दिया। देखो ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। ये जीरो से जीरो कट गई, 1 × x हो गया, x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 20 हो गया। ये 10 डिवाइड का है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो गया तो 200 बन गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यंग पीपल कितने हो गए मेरे पास, वो आ गए मेरे पास 200। तो मैंने 200 लोगों का सर्वे किया था, तब मुझे पता चला कि कितने लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, कितने लोगों को फोक म्यूज़िक, कितनों को लाइट और कितनों को सेमी क्लासिकल पसंद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा ऐसा म्यूज़िक है जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो अगर हम अपना डेटा देखें, ये पाई चार्ट, तो इसमें लाइट वाले का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा लाइट म्यूजिक, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कह रहे हैं यहां पर इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कह रहे अगर एक कंपनी है कैसेट कंपनी, वो 1000 सीडीज बनाए तो कितनी कितनी बनाए, मतलब क्लासिकल म्यूजिक की कितनी बनाए, सेमी क्लासिकल की कितनी बनाए, फोक म्यूजिक की कितनी बनाए और लाइट म्यूजिक की कितनी बनाए, वो आपको बताना है। तो टोटल उसको बनानी 1000 सीडीज़ है, इसमें वो सब डिवाइड कर देगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ है मेरे पास वो है 1000। तो अगर मैं पहले सेमी क्लासिकल की बात करूँ, तो देखो वो मेरे पास डेटा के अकॉर्डिंग 20% था, तो 1000 का 20% बनाएगी, तो 20/100, परसेंट हटते ही नीचे 100 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 10 को 20 से इंटू किया तो 200 आ गया। अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं, तो वो मेरे पास 10% था, तो 1000 का 10%, तो 10/100, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, 10 × 10 100 आ गया। अगर मैं फोक म्यूज़िक की बात करूं, वो मेरे पास डेटा के अकॉर्डिंग 30% है, जो 30% लोग लाइक करते हैं, तो 30/100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 30 × 10 300 आ गया। अगर मैं लाइट म्यूज़िक की बात करूं, तो 40% लोग पसंद करते हैं, तो 40 ×
तो 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 400 आंसर आ गया। तो काउंट कर लो, सबको मिलाओगे तो टोटल 1000 ही आ रहा है। तो जो आप वो 1000 सीडीज बनाओगे, वो कंपनी जो बनाएगी वो इस अकॉर्डिंग बनाएगी, फोक डांस, फोक म्यूजिक की इतनी बनाएगी, क्लासिकल की इतनी, सेमी क्लासिकल की इतनी और लाइट की इतनी। क्लियर? ये था आपके पास पूरा एग्जांपल नंबर 1। डेटा अगर आपको क्लियर होता है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। इस चैप्टर के ट्राई दिस और एग्जांपल सब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी करना शुरू कर दीजिए। जो अपलोड नहीं है वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। साथ के साथ चैप्टर 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट है चैनल पे, आप वहाँ से उन तीनों चैप्टर को कर सकते हो। चैप्टर 5 भी स्टार्ट हुआ है, उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो चैनल पे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।